हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। बाजार में मिलने वाले हेल्थ ड्रिंक्स आजकल खूब सारे दावे कर रहे हैं। कोई एग्जाम पास करा रहा है, कोई अंदर की शक्ति देने की बात कर रहा है और कोई अच्छी ग्रोथ देने की बात कर रहा है। पर क्या इन हेल्थ ड्रिंक्स ब्रांड्स का इस्तेमाल करने से कोई होता है फायदा? यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे बाजार में मिलने वाले 15 प्रमुख हेल्थ ड्रिंक सप्लीमेंट्स में कौन सा ब्रांड है आपके लिए फायदेमंद। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। और यह वीडियो हमने समर्पित किया है नई दिल्ली की हमारी सब्सक्राइबर पूजा तवर को। आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आप कौन सा हेल्थ ड्रिंक ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं और क्या इस वीडियो को देखने के बाद भी आप हेल्थ ड्रिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहेंगे। और इस वीडियो को बनाने के लिए हमने जो 15 हेल्थ ड्रिंक्स ब्रांड सेलेक्ट किए उनके नाम हैं हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स वुमेन, बूस्ट, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, बॉर्नविटा लिटिल चैंप, बॉर्नविटा वुमेन, नेस्ले माइलो, पीडियाश्योर, सिप्ला इम्यूनो बूस्टर्स, प्रोटीनेक्स ग्रो, पतंजलि पावर वीटा, श्री श्री ओजस वीटा, मिल्कोज माल्टो वीटा और अमूल प्रो चॉकलेट को। इन ब्रांड्स के इंग्रेडिएंट एनालिसिस से पहले आइए थोड़ी बात कर लेते हैं हेल्थ ड्रिंक ब्रांड के जन्म के बारे में। सन 1873 में ब्रिटिश फार्मासिस्ट सर जेम्स हॉर्लिक और उनके भाई विलियम ने माल्ट और बार्ले से बच्चों के लिए पाउडर वाले न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को बनाने के लिए शिकागो में हॉर्लिक्स फूड कंपनी की स्थापना की। धीरे धीरे उनका यह फॉर्मूला दुनिया के अन्य देशों में भी उपयोग में लाया जाने लगा और आज हालत यह है कि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है और सिर्फ हिंदुस्तान में बिक्री की वजह से यह ब्रांड दुनिया भर में हेल्थ एंड वेलनेस बेवरेज कैटेगरी में 56 पोजीशन पर है। क्योंकि मार्केट में इस तरह के ब्रांड्स की बिक्री बढ़ने लगी तो अन्य कंपनियों ने भी धीरे धीरे अपने ब्रांड्स को मार्केट में उतारना शुरू किया। बिक्री की इस गलाकार प्रतिस्पर्धा में ये कंपनियां अनाप शनाप के विज्ञापन करने से भी नहीं हिचकिचाती। और आइए अब बात करते हैं इन ब्रांड्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में। तो हॉर्लिक्स को बनाने के लिए माल्टेड बार्ली, मिल्क सॉलिड, शुगर, वीट सिरप, माल्टेड वीट, मिनरल्स, प्रोटीन आइसोलेटेड, इमल्सिफायर, साल्ट, एसिडिटी रेगुलेटर्स, विटामिन्स और नेचुरल कलर का इस्तेमाल हुआ है। वहीं बॉर्नविटा को बनाने के लिए माल्ट एक्सट्रैक्ट, शुगर, कोकोवा सॉलिड, मिल्क सॉलिड, कैरेमल, लिक्विड ग्लूकोज, परमिटेड इमल्सिफायर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रेजिन एजेंट और साल्ट का इस्तेमाल हुआ है। कॉम्प्लान को बनाने के लिए स्किम्ड मिल्क, लैक्टोज, वेजिटेबल ऑयल, माल्टोडेक्सट्रिन, शुगर, ग्लूकोज सिरप, फैट रिड्यूस्ड कोकोवा पाउडर, डेक्सटोज, फ्लेवरिंग एजेंट्स, मैग्नीशियम सल्फेट, थिकनर्स, विटामिन्स और मिनरल का इस्तेमाल हुआ है। वहीं बूस्ट को बनाने के लिए माल्टेड बार्ली, वीट फ्लोर, शुगर, मिल्क सॉलिड्स, मिनरल्स, कलर, ग्लूकोज, साल्ट, एसिडिटी रेगुलेटर्स, कोकोवा पाउडर, विटामिन्स, प्रोटीन आइसोलेटेड, इडिबल फाइबर, नेचुरल और फ्लेवरिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल हुआ है। इन सभी ब्रांड्स में माल्ट जो कि अन्न है, प्रोसेस्ड मिल्क, आर्टिफिशियल मिनरल्स, इमल्सिफायर, एसिडिटी रेगुलेटर्स, आर्टिफिशियल विटामिन्स और प्रोटीन आइसोलेटेड जैसा घटिया क्वालिटी का प्रोटीन मिला हुआ है। दरअसल इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मुख्यतः दो तरह के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है। पहला कॉम्बिनेशन है आटा, शुगर, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, कोकोवा सॉलिड, इन्वर्टेड सिरप, साल्ट, रेजिन एजेंट, शुगर एडिबल और ऑक्सीडाइजेबल वेजिटेबल फैट और इमल्सिफायर। और दूसरे तरीके का फॉर्मूला है शुगर, पीनट्स, ग्लूकोज सिरप, स्किम्ड मिल्क पाउडर, कोकोवा बटर, कोकोवा मास, सनफ्लावर ऑयल, लैक्टोज, मिल्क फैट, वेजिटेबल फैट, वे पाउडर, साल्ट और इमल्सिफायर। इन हेल्थ ड्रिंक्स में मुख्यतः दो चीजों की प्रचुरता होती है, पहला माल्ट बार्ले या सीरियल डेरिवेटिव्स का और दूसरा चीनी का। उदाहरण के लिए कॉम्प्लान को लेते हैं। इस माल्ट बेस पाउडर के 100 ग्राम में मिलती है 18 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम फैट और 62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 24 ग्राम यानी 6 चम्मच चीनी है। इसी तरह बॉर्नविटा के 100 ग्राम में 7 ग्राम प्रोटीन, 1.8 ग्राम फैट, 85.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 32 ग्राम यानी 8 चम्मच के बराबर चीनी है। वहीं हॉर्लिक्स में 11 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम फैट और 79 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 13.5 ग्राम यानी 4 चम्मच के बराबर चीनी है। तो इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की एनालिसिस से एक बात तो एकदम साफ है कि इनमें चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में है। वैसे भी आजकल बाजार में जो कुछ मिल रहा है उसमें चीनी ज्यादा होती ही है। साथ ही इन तथाकथित हेल्थ ड्रिंक्स की चीनी फायदे से ज्यादा नुकसान करती है और ये सभी ड्रिंक्स केवल स्वाद बढ़ाने के लिए हैं। चीनी की इतनी ज्यादा मात्रा का सेवन बच्चों या बड़ों के लिए कतई लाभदायक नहीं है। और अब इनमें से कई सारे ब्रांड्स वुमेन के सब ब्रांड्स के साथ भी आते हैं। तो हमारी सलाह से अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है
तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ना कि इन तथाकथित हेल्थ सप्लीमेंट ड्रिंक्स को पीना चाहिए। और आइए अब थोड़ी बात कर लेते हैं इन हेल्थ ड्रिंक्स में मिले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। दरअसल हमारे शरीर के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमारी कार्य क्षमता तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है, विटामिन बी ग्रुप एनर्जी के लिए और विटामिन सी कोलेजन के निर्माण और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए, मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए और पोटेशियम सेल्स में फ्लूइड मेंटेन करने के लिए, जिंक घाव भरने के लिए, वहीं आयोडीन थायराइड फंक्शन के लिए जरूरी होता है। शरीर में इनकी कमी होने से हमें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। पर क्या इन हेल्थ ड्रिंक से आपको कुछ फायदा होता है, आइए अब ये जानते हैं। इन हेल्थ ड्रिंक के पैक पर लिखे इंग्रेडिएंट के अनुसार 2 चम्मच बॉर्नविटा दूध में मिलाने से 45 मिलीग्राम पोटेशियम, 25 मिलीग्राम सोडियम, 1 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम शुगर, 8% रोज की जरूरतों का विटामिन ए, 10% रोज की जरूरतों का आयरन और 30% रोज की हमारी जरूरत का विटामिन सी। इसके अलावा 15% डेली रिक्वायरमेंट का जिंक और 10% हमारी डेली रिक्वायरमेंट का मैग्नीशियम भी हमें मिल सकता है। इसके साथ प्रो हेल्थ विटामिन्स जैसे विटामिन B9, B12, B2 और विटामिन डी भी इन ब्रांड से मिलता है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। कॉम्प्लान 34 वाइटल न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्लेम करता है, जिसमें शामिल है कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, विटामिन ए, ई, सी, डी और विटामिन B12, और ऐसा ही कुछ दावा हॉर्लिक्स और अन्य सारे ब्रांड्स भी करते हैं। इनमें से तो कोई एग्जाम पास कर रहा है और कोई अच्छी ग्रोथ के दावे कर रहा है। और आइए अब जरा बात करते हैं इन दावों के बारे में। मैं आपको सिर्फ विटामिन डी के उदाहरण से समझाता हूँ। सभी लोग, चाहे बच्चे हों या बड़े, उनको प्रतिदिन 15 माइक्रोग्राम यानी 600 यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ये हेल्थ ड्रिंक्स जैसे बॉर्नविटा लिटिल चैंप्स के 100 ग्राम से 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी मिलता है, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से काफी कम है। और अगर आप इसे पूरा करना चाहें तो आपको लगभग 10 चम्मच बॉर्नविटा खाना पड़ेगा। इसके साथ कुछ और बातें आपको जानना जरूरी है, जैसे चीनी कैल्शियम और विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को रोकती है। इसके अलावा गाय का दूध आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकता है, इसीलिए बच्चों में अक्सर आयरन की कमी हो जाती है। तो सीधे शब्दों में कहूं तो इन हेल्थ ड्रिंक का दूध में इस्तेमाल करने से ना तो आपको और ना ही आपके बच्चे को कोई फायदा होने वाला है। और आइए अब बात करते हैं थोड़ी रिसर्च के बारे में। तो इन हेल्थ ड्रिंक्स पर अभी भी कोई स्वतंत्र रिसर्च नहीं हुई है। हॉर्लिक्स जिस क्लिनिकली प्रूवन की बात करता है, वो 2006 में पब्लिश हुई जॉन इसावेर न्यूट्रिशन में प्रकाशित 5 पेपर्स की बात है। यह डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल 6 से 16 साल के स्कूल जाने वाले स्वस्थ 869 बच्चों पर की गई एक स्टडी है। इस स्टडी में बच्चों को 2 ग्रुप में बांटकर एक ग्रुप को 150 ml हॉर्लिक्स मिला टोंट दूध दिया गया और दूसरे ग्रुप को साधारण दूध पिलाया गया। और इसी एक स्टडी के बूते हॉर्लिक्स अपने ब्रांड्स को क्लिनिकली प्रूवन बताता है। इस स्टडी के साथ कई खामियां जुड़ी हैं, जैसे हॉर्लिक्स जितने कैल्शियम की बात करता है उतना फायदा तो साधारण दूध पीने से भी हो जाता है। और इसी तरह यह कोई स्वतंत्र स्टडी नहीं है, इस स्टडी के लिए सारा पैसा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने दिया, जो कि हॉर्लिक्स ब्रांड को कंट्रोल करता है। अगर आप हॉर्लिक्स के एडवर्टीजमेंट को ध्यान से देखिएगा तो हॉर्लिक्स अपने एडवर्टीजमेंट में अटेंशन और कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात करता है, ना कि IQ और मेमोरी को। यह खेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसको कंपनियां बड़े ध्यान से खेलकर आपकी जेब काट रही हैं। ब्रांड्स जो दावे करते हैं उनको साबित करने के लिए उनके पास कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली स्टडी 2013 में आई। इस स्टडी के मुताबिक ब्रांड्स ने पैक पर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स लिखे थे, इसके अलावा जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, आयोडीन, कैल्शियम और आयरन लिखे थे, वह अध्ययन में कम पाई गई। क्योंकि अभी भी भारत में इससे जुड़े कोई कानून उपलब्ध नहीं है और इंग्रेडिएंट लिस्ट पर क्या लिखना है यह कंपनियों की इच्छा पर निर्भर करता है। हम उम्मीद करते हैं कि कंपनियां अपने पैक पर जो इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखेंगी वो उनके प्रोडक्ट में होगा, पर यह स्टडी इस बात को साबित करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अन्य स्टडी से भी यह साबित हुआ है कि ब्रांड्स ने जो इंग्रेडिएंट दर्शाया है, उदाहरण के लिए हॉर्लिक्स ने फैट, प्रोटीन और नियासिन की जो मात्रा पैक पर लिखी है वह उससे कम पाई गई। नियासिन खाने को एनर्जी में बदलने का काम करता है। इसी तरह कॉम्प्लान बूस्ट और पीडियाश्योर ने नियासिन की जो मात्रा पैक पर लिखी गई वह ब्रांड्स में कम पाई गई। प्रोटीनेक्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पैक पर लिखी गई मात्रा से कम पाया गया। और आइए अब आपको एक और चौंकाने वाले तथ्य के बारे में बताते हैं। डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड यानी DHA हृदय और मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स है,
जिसके होने का दावा अमूल प्रो, बॉर्नविटा लिटिल चैंप और कॉम्प्लान न्यूट्रीगो करते हैं, पर अध्ययन में इन ब्रांड्स में डीएचए नहीं पाया गया। अध्ययन दावा करता है कि प्रोटीनेक्स में 9.67% ऐश पाई गई, जो कि 5% से कहीं ज्यादा है। कंपनियां यह सारा खेल बड़ी आसानी से इसलिए खेल लेती हैं क्योंकि अभी भी भारत में हेल्थ ड्रिंक्स के लिए कोई भी कानून या रेगुलेशन नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूध में प्राकृतिक रूप से लैक्टोफेरनिन पाया जाता है, जो कि लंबाई बढ़ाने के साथ हड्डियों को भी मजबूत बनाने का काम करता है। इसलिए दूध की हेल्थ बढ़ाने के लिए कोई भी हेल्थ ड्रिंक मिलाने का कोई फायदा नहीं होता। कंपनियों ने जो अनाप शनाप दावे जैसे फास्टर ग्रोथ, लंबाई बढ़ना, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना इत्यादि का दावा कर रही हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरी आपको यही सलाह है कि आपको इन ब्रांड्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके उलट इनमें मिली चीनी से शायद आपको कोई नुकसान ही हो जाए। टीवी विज्ञापनों पर बिल्कुल मत जाइए। हेल्थ ड्रिंक पीने से ना ही आपके बच्चे की ग्रोथ बढ़ने वाली है, ना ही वो लंबा होने वाला है, ना ही उसकी हड्डियां मजबूत होने वाली हैं, और ना ही वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने वाला है। अगर आप बच्चे को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसे हेल्दी डाइट, मौसमी फल खिलाइए और जंक फूड बिल्कुल ना खिलाइए। बच्चे को थोड़ा धूप में खेलने दीजिए, यह उसकी ग्रोथ के लिए काफी है। और वीडियो के अंत में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह वीडियो किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं है। वीडियो में बताए गए सभी तथ्य कंपनियों द्वारा पैक पर लिखे गए इंग्रेडिएंट्स के आधार पर हैं। मैं किसी भी ब्रांड या कंपनी से जुड़ा नहीं हूं और किसी भी कंपनी या ब्रांड ने मुझे यह कहने या यह वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा है। इस वीडियो के माध्यम से हमने भारतीय बाजार में उपलब्ध सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स ब्रांड का लेखा जोखा आपके सामने रखा है। अंत में फैसला आपको करना है। शायद इस वीडियो में हमने आपके ब्रांड्स को नहीं शामिल किया हो, और अगर ऐसा है तो आप इन्हीं पैमानों पर अपने ब्रांड्स के बारे में भी जान सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको यह लगता है कि यह वीडियो किसी के लिए फायदेमंद साबित होता है, और अगर आपको यह महसूस होता है कि यह वीडियो किसी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, तो इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद है कि हमारी सलाहें आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होंगी। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।